हाय एवरीवन एंड वॉम वेलकम। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बन रही है, देर वर सम इश्यूज गोइंग ऑन, ठीक है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज ये एक न्यूज़ पढ़ी, आई हैड जस्ट रिटन अ स्मॉल कम्युनिटी पोस्ट ऑन इट रिगार्डिंग एक 26 ईयर ओल्ड सीए वर्किंग विद ईवाई पुणे, जो शी पास्ड अवे, ठीक है। वर्क प्रेशर एंड काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ आ जाती है, वी ऑल नो, वी आई थिंक हमने कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत बड़ी सुनी है। आज मैं जो आपको कह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे थिंक कि चलो ये जस्ट अनदर वीडियो ऑन अ ट्रेंडिंग टॉपिक, ठीक है, ये सब डाल रहे हैं इसके ऊपर तो सर भी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, ओके। इस केस, क्योंकि ये जो चीज़ है ना जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, एंड आई हैव डन दिस रिपीटेडली ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, मैंने अपने साइड से हमेशा वो चीज़ बोलने की कोशिश करी है, वही मैं आज बोल रहा हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ बियॉन्ड अ डिग्री, सी ए को छोड़ के बियॉन्ड सी ए, बियॉन्ड ई वाई, ये एक जनरल बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ प्राइमरीली फॉर सी ए फाइनल स्टूडेंट, सी ए इंटर के लिए भी है, फाइनल के लिए ज़्यादा है इस टाइम आपका प्रेशर, मुझे पता है क्या बन रहा है, नवंबर एग्जाम एंड ऑल दोज पॉइंट्स, बहुत सारा बैकलॉग भी है, बैगेज भी आपके दिमाग में बहुत सारा। मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, अभी आपके दिमाग में जो भी डर है ना, इस चीज़ से क्या सीखना है, देखो आप सोचो, एक डेढ़ साल पहले वो लड़की सी ए बन, मतलब उसका सी ए का एग्जाम, आई थिंक शी क्लियर इन 2023 एंड 4 months ago she started working। एक साल पहले उसने वही सारा किया है जो आप कर रहे थे, और आज मतलब देखो किस तरीके से क्या हो गया। एक चीज़ सुनी होगी आपने, वेन एवर लाइक इफ यू हैव 10 problems तो ठीक है आपके पास 10 problem है, लेकिन जब हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है ना तो एक ही प्रॉब्लम रहती है, बाकी 10 problem निकल जाएंगी हाथ से। सो हेल्थ इज एवरीथिंग, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, जान है तो जहाँ है ना। सो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सी ए फाइनल के स्टूडेंट्स, अभी जो भी लग रहा है आपको, मुझे पता है इस टाइम बहुत सारे बच्चे आप जो देखते हो 27, 28, 30 इस वाले, यू नो दे आर इन दैट एज ग्रुप जहाँ पे यू आर नॉट देयर वेयर यू वॉन्ट टू बी, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स सारी कहानी मोस्टली सबकी यही है, और साथ में कंपैरिजन एज इशू जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं आपको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ना उस चीज़ को हेल्प पे मत आने दो। एंड आई नो इट इज वेरी 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 इजी टू से, आई हैव बीन थ्रू सम स्टफ लाइक दिस, ठीक है, ऐसा ही मिलता जुलता स्टफ, आई हैव गॉन थ्रू इट, लेकिन मैंने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करी है कि मैं लाइक जब वेन एवर आई एम कॉलिंग इट अ डे, सोते वक्त मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं रहते, क्योंकि मैं अपने आपको डेली यही रिमाइंड कराता हूँ। आप एक बात सोचो, अभी तो आज ये केस हुआ सीए वाला, तो कितने महीने पहले हमने वो सौरभ लड़ा, यू रिमेंबर दैट केस, आज कौन बात कर रहा है उसके बारे में, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं। सिर्फ आप और आपकी फैमिली, आपका कुछ भी हुआ ना अगर आपको हेल्थ को, तो आपकी सिर्फ फैमिली है जो सफ़र करने वाली है, बाकी सब सोशल मीडिया पे आके बना के जाएंगे, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, इंक्लूडिंग मी, बहुत ही ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मैं भी अभी 2 दिन बाद उस केस को शायद नहीं याद करूंगा, लेकिन आज जो मुझे लगा कि आपके सामने मुझे कुछ रीइटरेट करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। सीए फाइनल वालों, इनफैक्ट सीए इंटर वालों, जो भी सीए अभी कर रहा है, ये डिग्री आपके हेल्थ से ज़्यादा नहीं है। अगर ये डिग्री के वजह से आपको डिप्रेशन, आपको गोलियाँ खानी पड़ रही है, मेनी पीपल आर डूइंग दिस, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई नो मेनी पीपल यू आर डूइंग दिस, दे आर विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, तो भैया हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये डिग्री छोड़ दो, फिर मुंह पे कह रहा हूँ। हो सके तो ये वीडियो पेरेंट्स के साथ देख लेना, कोई भी डिग्री, कोई भी चीज़, कोई भी जॉब या कोई भी कंपनी आपसे ज़्यादा नहीं हो सकती ना, कल को आप ही नहीं रहोगे तो वो डिग्री में कौन जाने वाला है, वो डिग्री किस काम की, वो ऑफिस में कौन जाने वाला है, एक दिन में वो पोजिशन फेल हो जाएगी, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा आप हो नहीं हो, ये रियलिटी है आज की, ये रियलिटी कल जो भी आप कहते हो आज के इसमें कलयुग है जो भी है। सो प्लीज़ कोई भी जॉब या किसी चीज़ को भी करो, डेडिकेशन के साथ करो, एक लिमिट के बियॉन्ड जब आपको समझ आ जाए ना कि ये हेल्थ पे आ रही है, बेशक छोड़ दो। आई एम प्रिटिश, मैं ये नहीं कह रहा ये सबके लिए इजी है, बट फाइंड योर वे आउट एंड एंश्योर कि ये प्रोलॉन्ग वे में आपको हेल्थ के ऊपर ना आने दे। सीए भी अभी आप फाइनल में हो, सीए मेहनत से करो, पूरा जी जान लगा दो, आई एम नॉट सेइंग कि मेहनत नहीं करनी है, खूब मेहनत करो, लेकिन उस चीज़ का टेंशन लेके रात को नींद नहीं खोनी है उसके ऊपर। सीए हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बहुत कुछ कर सकते हो तुम, बोलना आसान है सर आप तो हो गए सीए, नो आई नो यू आर थिंकिंग लाइक दैट, मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, बिलीव मी व्हेन आई से आई नो मेनी मेनी पीपल हु आर सीएस बट स्टिल दे आर नॉट सेटल्ड, अभी कुछ भी नहीं कर पाए खास, जैसे बोलते हैं ना मटेरियलिस्टिक टर्म्स में, एंड आई नो जो सीए नहीं कर पाए एंड दे हैव स्विच्ड, कुछ मेरे पर्सनल काउंसिलिंग सेशन में से मेरे को अभी भी टच में है जिन्होंने सीए छोड़ दिया है, लेकिन आज बहुत कुछ कर रहे हैं, खुश है। और एट द एंड ऑफ द डे पैसा कमाना है, पैसे कमाना सिर्फ सीए से नहीं होता है, बहुत चीज़ें होती है। अगले 5 साल में कौन कहाँ चले जाए, जो तुम कंपेयर करते रहते हो ना सबसे, सर मेरे दोस्त की शादी हो गई,
घर से प्रेशर आ रहा है अब ये करने का, मेरे ये दोस्तों भी घूम रहे हैं, यू नो दे आर इनटू रिलेशनशिप्स मैरिज, और मैं तो सर पढ़ रहा हूँ चार दीवारी में। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ अगले 5 साल में 8 साल में हमें नहीं पता कौन कहाँ हो। आई एम नॉट गोइंग इन टू द एस्ट्रोलॉजी साइड ऑफ थिंग्स, ऑल्दो मैं थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ, बट सबको पता है देखो सबका टाइम होता है, सबका टाइम होता है ना। तो आप अपना जो वर्स्ट टाइम है जो है वो किसी के गोल्डन पीरियड से मत कंपेयर करो। किसी को नहीं पता कौन क्या है और जो क्या दिखा रहा है आपको, कुछ भी सच नहीं होता आजकल जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। बिलीव मी व्हेन आई से दैट, आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर लिटरली फेकिंग इट टिल दे मेक इट। तो आप अभी सीए कर रहे हो, ये सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए मैं एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल उनके लिए, भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, तुम मेरे इस पे बिलीव कर लो। सीए करना है, मेहनत से करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, नवंबर अटेम्प्ट के लिए आपको बैठना है, लेकिन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इन सवालों के पीछे मत भागो। रात को जब सो रहे हो तो 6-7 hours की नींद अच्छे से लो, दिन में 9-10 घंटे का आउटपुट निकालो, उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जितना उसको ओवर करने की कोशिश करोगे उतना ही अंडर परफॉर्म करोगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपकी फैमिली को आपसे प्यार है, आपकी डिग्री से नहीं है, ठीक है। कभी कभार पेरेंट्स भी क्या प्रेशर डाल देते हैं, वो प्यार से, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ लव एंड केयर, इट इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ एनी इल इंटेंशन। सो प्लीज़ बिलीव मी, आप अपनी हेल्थ को मत प्लीज़ कॉल, डोंट लेट इट कॉस्ट योर हेल्थ। मैं बहुत प्राउडली कर रहा हूँ ये चीज़, मेरे सीए में मेरी हेल्थ के ऊपर कभी कुछ नहीं आया, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट। आज का मैं देख के कि आज क्या हो रहा है, एंड इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं, मतलब हमारी गलती नहीं है, दुनिया ही चेंज हो चुकी है यार, मेरे सोशल मीडिया ये वो सब चेंज हो चुका है। सो मुश्किल है, पर यू नो इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स। बेसिक सॉर्टेड रखो, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ मत करो, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ मत करो, जो अपनी बेसिक आदतें पुराने टाइम से चलती आ रही है वैसे चलाते रहो, बच्चों की तरह जैसे पढ़ते थे पढ़ते रहो, ज़्यादा आगे का टेंशन मत लो, हो जाएगा, ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जब उसमें से वो वैल्यू फैक्टर, इतना वो जो प्रेशर वाला फैक्टर हटा दोगे ना, तो अपने आप आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। मैंने ये चीज़ एक बार कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर भी करी थी आपसे, कि मेरे सीए के टाइम पर मेरे को एक सीनियर ने बोला था कि भाई सीए की ज़्यादा चिंता मत कर, हुआ तो हुआ नहीं तो कुछ और कर लेगा, ऐसे सोच के चल। तो मेरे को ऐसा बहुत वो नहीं था, ये नहीं हुआ तो क्या, तो इसलिए वो उसका प्रेशर नहीं आया मेरे ऊपर, 3 घंटे का वो जो एक एंग्जाइटी रहती है वो नहीं आई कभी, ठीक है। सो प्लीज़ ये इंस्टेंस एक रिमाइंडर था, ठीक है। मैं तो आके बोल ही सकता हूँ, कल से आपको इम्प्लीमेंट करना है, बल्कि अभी से आप ही को इम्प्लीमेंट करना है, एंड बस ये छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। बाकी मिलते रहेंगे, कम्युनिटी पोस्ट अभी फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, डोंट वरी, MCQs also have started, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ ये वीडियो पेरेंट्स के साथ ज़रूर देखना, एंड पेरेंट्स के लिए भी आज ही एक्चुअली एक काउंसलिंग सेशन था, काउंसलिंग सेशन नहीं, आज ही मेरे को एक मैसेज आया था कि इंटर का, ऐसा ही समवॉट वेरी सिमिलर सर्कमस्टांसेस कि सर उसके कुछ 3-4 साल ऑलरेडी लग चुके थे, 3-4 अटेम्प्ट लग चुके थे सीए में, इंटर में अभी नहीं क्लियर हो रहा है, एंड आई जेन्यूनली एडवाइज्ड हर, नॉट एज अ सीए पर्सन, एज अ जनरल वो, कि भाई एज समवन हू हैज सीन वर्ल्ड मोर देन हर, मैंने उसको बोला कि भैया आप कंसिडर कर लो कोई और ऑप्शन, एंड वेन हर पेरेंट्स फॉर सपोर्टिव ऑफर MBA जर्नी, तो मैंने बोला आप MBA कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड हेल्थ के ऊपर नहीं आने देना है, है ना। तो मुझे नहीं पता बाकी के टीचर्स कैसे उस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं, मैं नहीं ग्लोरीफाई करता कभी ये चीज़ें, करो अच्छे से करो, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट योर एंटायर लाइफ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत अच्छे से करो, पढ़ाई कम मैं नहीं कह रहा, मेहनत अच्छे से करो, पढ़ाई अच्छे से करो, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।